Hello student, welcome to our YouTube channel Youth Sarthak, myself and Kichwan. इस बार मैं आप लोगों के सामने यूपी पुलिस एसएससी की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार आप लोगों के एग्जाम में आने हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखोगे, इनको समझोगे कि क्या इनका आंसर है और कैसे इनका आंसर हम दे सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कैसे सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए पहला ऑप्शन हमारे पास है छूकर। तो हम किसी भी कपड़े को हम छूकर ये नहीं बता सकते कि वो कपड़ा ऊनी है या सूती है। दूसरा ऑप्शन आता हमारे पास जलाकर। तो जब हम किसी सूती कपड़े को जलाते हैं तो सूती कपड़ों को जलाते समय जब उसको जलाया जाता है तो जलाने के बाद पूर्ण रूप से उसकी राख बन जाती है। तो जब कपड़े की राख पूरी तरह से बन जाएगी तो हम आराम से बता सकते हैं कि हमारा सूती कपड़ा है। और जब भी हम कभी ऊनी कपड़े को जलाते हैं तो उसमें अपशिष्ट के रूप में कुछ ना कुछ शेष बच जाता है, जिस कारण हम पहचान सकते हैं कि हमारा ऊनी कपड़ा है या हमारा सूती कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भी बर्फ पर हम दाब डालेंगे तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन है बेटा कि या तो उसका दाब जो उसका गलनांक है वो घट जाएगा, गलनांक बढ़ जाएगा, उसके गलनांक अपरिवर्तित होगा, ये चौथा ऑप्शन होता है कि शून्य रह जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है कि उसका जो गलनांक है वो घट जाता है। जब भी किसी बर्फ पर दाब डालते हैं तो दाब डालने से उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, कि क्या कारण है हम लोग गर्मियों में जो है सफेद कपड़े पहनते हैं, उसकी क्या खास बात है जो हम गर्मियों में सफेद कपड़ों को पहनते हैं। तो उसका ऑप्शन दे रखा है कि उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। तो उष्मा के बुरे अवशोषक का मतलब ये है कि जितने भी सफेद कपड़े हैं वो उष्मा को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, अवशोषित नहीं करते, जिसके कारण जो हम लोगों को गर्मी कम महसूस होती है। इसमें ऑप्शन है सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ना तो सस्ता होना कोई इसका औचित्य है कि अगर कोई कपड़ा सस्ता होगा तभी हम उसको पहनेंगे, या कोई आकर्षक होते हैं, मेन इसका ऑप्शन है कि उष्मा के बुरे अवशोषक होने के कारण, क्योंकि अवशोषक नहीं होंगे उष्मा को ज्यादा अवशोषित नहीं करेंगे, उष्मा को अवशोषित नहीं करेंगे तो वो हमें जो है गर्म भी नहीं लगेंगे, यानी कि हमें ठंडक प्रदान करते हैं, इसी कारण जो है सफेद कपड़ों को पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला ऑप्शन है लोहा पानी में डूब जाता है। तो सही से बात है, अगर किसी लोहे की किसी भी पदार्थ को किसी भी चीज को लेते हैं और पानी पर की सतह पर रखते हैं तो पानी के अंदर डूब जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि लकड़ी पानी पर तैरती है। अगर हम लकड़ी की बात करेंगे तो कोई लकड़ी को पानी की सतह पर रखेंगे तो सूखी लकड़ी है निश्चित रूप से पानी पर तैरेगी। तीसरा ऑप्शन है कि पारा पानी पर तैरता है। तो क्या कारण है जो पारा होता है पानी पर तैरता है। तो अगर हम बात करें बेटा कि पारा ही एक ऐसा धातु है जो पानी पर तैरता है, और इसका फोर्थ ऑप्शन है कि पारे में लोहा तैरता है। तो ये चारों ऑप्शन जो है, चारों में से तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है कि पारा पानी पर तैरता है, हमारा राइट आंसर है, और तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको ऑप्शन ए, डी, ए, सी और बी। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी खट्टे पदार्थों में सी विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले विटामिन का नाम है विटामिन सी। नेक्स्ट हमारे पास कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। कि चमगादड़, अगर हम बात करेंगे चमगादड़ में, तो चमगादड़ में क्या ऐसी बात होती है, ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके कारण एक चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकती है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है अल्ट्रावायलेट वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव, रेडिएशन और स्पेशल रेटिना। तो इसका सही ऑप्शन होता है अल्ट्रासोनिक वेव। इसका मेन कारण क्या है, क्यों, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव इतनी बारीक, यानी कह सकते हैं इतनी कम हर्ट्स की वेव्स होती है कि जिसको नॉर्मली हम लोग उसको नहीं सुन पाते, लेकिन अल्ट्रासाउंड वेव्स जिसे को जो चमगादड़ होती है वो बहुत आसानी से उसको सुन लेती है और उसे पहचान सकती है, उसके कारण लोग अंधेरे में भी उड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है
कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं खनिज क्या होते हैं, कि जो भी धातु खानों से निकाली जाती है वो किसी ना किसी रूप से किसी दूसरी धातु के साथ मिक्स होती है या और धातु उसके अंदर मिक्स होती है, कि खानों से जो भी धातु निकाली जाती है, जिस पदार्थ के रूप में निकाली जाती है उसको हम खनिज बोलते हैं। तो एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो इसमें मोनोनाइट है, एंथ्रासाइट है, बॉक्साइट है और थोरियम। मोनोनाइट से निकलता है लोहा और एंथ्रासाइट से भी लोहा निकलता है। बॉक्साइट जो एक ऐसा अयस्क है या खनिज है जिसके द्वारा आसानी से हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल क्या होता है, तो इसमें चार ऑप्शन है, निहारिका, उल्काएं, सूर्य में धब्बे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर निहारिका और उल्काएं की बात करें तो निहारिका और उल्काएं ये एक आकाशीय पिंड होते हैं और आकाशीय पिंडों के कारण किसी भी प्रकार से ब्लैक होल नहीं हो सकते, क्योंकि ब्लैक होल का मतलब है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी है, हमारी इस पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन गैस की एक परत होती है जो हमारे हेल्प करती है, हमारी सहायता करती है, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस है उससे हमारे बचाने का काम करती है। तो अगर हम बात करें कि निहारिका या उल्काएं वो तो हमारी पृथ्वी से अलग है, उसका किसी तरह से जो ब्लैक होल से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल का मतलब है कि किसी भी रूप से जो भी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या किसी भी तरह की कोई गैसें हैं जो हमारी इस ओजोन गैस में या ओजोन परत में किसी भी प्रकार से छिद्र करती है या उसकी डेंसिटी को कम करने का प्रयास करती है उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। तो इनमें से अगर सूर्य के धब्बे की बात करें तो सूर्य भी हमारी पृथ्वी से दूर है, उसका कोई मतलब हमारी इस ब्लैक होल से नहीं है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है हमारा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में स्थायी कठोरता का कारण। तो अगर हम जल में स्थायी कठोरता की बात करें तो इसमें दे रखा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो मैं बता दूं कि जल के अंदर जो मेन स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है। अगर हम कैलोरी की बात करें तो कैलोरी एक यूनिट होती है, एक मापन होती है। और कैलोरी से हम किसको नाप सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चार ऑप्शन है, ऊष्मा, ठोस, तरल और ध्वनि। तो कैलोरी एक हीट की यानी कि ऊष्मा का एक मापन इकाई होती है, जबकि अगर हम ठोस की बात करें तो हम ठोस को नापते हैं, उसे किलोग्राम में नापते हैं। अगर कोई तरल पदार्थ है तो तरल पदार्थ को हम लीटर में नापते हैं। इसी प्रकार से अगर ध्वनि है तो ध्वनि की इकाई होती है हर्ट्ज। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो हमारा होगा ऊष्मा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, यानी कि कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से कि सूर्य उदय और अस्त होते समय हमें उसका रंग लाल दिखाई देता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहला ऑप्शन है इसमें विकिरण, जलवाष्प, धूल के कारण और चौथा ऑप्शन है प्रकिरण। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते समय हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत अधिक होती है, और जब सूर्य की दूरी बहुत अधिक होती है तो सूर्य की दूरी अधिक होने के कारण जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं उसमें सात रंगों का या सात कलरों का एक समूह होता है, जिसमें से जो लाल किरण है उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और सूर्य हमारी पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण उसको जो और रंग है, लाल रंग को छोड़कर जितने भी रंग बचते हैं उन सबका प्रकीर्णन हो जाता है, केवल लाल रंग होता है जो हमारे पास तक पहुंच पाता है। उसके कारण जो है जब हमारे पास तक उसी का प्रकीर्णन कम हो पाता है तो वो रंग हमारे पास तक आता है और सूर्य का रंग में लाल दिखाई देता है। तो इसका सही ऑप्शन है प्रकीर्णन द्वारा, क्योंकि सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है केवल लाल रंग हमारे पास तक पहुंच पाता है, और यही जो है इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़ते समय यानी घरों के अंदर जो विद्युत संयंत्र, जो भी हमारे डिवाइस हम यूज करते हैं घरों के अंदर, चाहे उसके अंदर तुम्हारी ट्यूबलाइट हो, चाहे उसके अंदर पंखा हो, कंप्यूटर हो, जितने भी डिवाइस हम उसके अंदर लगाते हैं पूरे घर के अंदर, वो सारे के सारे किस क्रम में लगाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन रेखा श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, यह इनमें से कोई नहीं।
अगर हम श्रेणी क्रम में किसी डिवाइस को लगाएंगे तो उनमें से अगर एक डिवाइस खराब हो जाएगा या कोई एक संयंत्र खराब हो जाएगा तो सारे के सारे संयंत्र काम करना बंद कर देंगे। तो इसमें जो हम संयंत्र लगाते हैं उन सभी संयंत्र को हम समांतर क्रम में लगाते हैं। इसका एक कारण और भी है, एक तो अगर सभी कोई सा एक संयंत्र बंद होगा तो केवल खराब होगा तो केवल वही बंद होगा, इसके अलावा जितने भी हमारे पास संयंत्र लगे हुए हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। अगर हम श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो उनमें से कोई भी जो है काम करना सारे एक साथ बंद हो जाएगा, तो हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा जो संयंत्र है वो हमारा काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। इसलिए घर के अंदर जितने भी विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं उन सभी को समांतर क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि लोहे में जंग लगना है एक कि लोहे में जो जंग लगता है, जब लोहे में जंग लगता है वो किसका उदाहरण है ना, यानी कौन सी क्रिया है, किस क्रिया के द्वारा लोहे में जंग लगता है। इसका ऑप्शन है भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, ये इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, भौतिक क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रक्रम होता है कि जिसमें कि प्रक्रिया होने के पश्चात भी उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसको अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो उसके बाद उसको पुनः पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। तो रासायनिक क्रिया अगर हम बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा रासायनिक क्रिया, क्योंकि जब लोहे पर एक बार जंग लग जाता है तो लोहे पर एक बार जंग लगने के बाद उसको पुनः जो है पहले ही जैसा लोहा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसका सही ऑप्शन था कि लोहे पर जंग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब की अगर हम बात करें तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो इसमें दे रखा ऑप्शन क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा और जस्ता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का धातु का बना होता है, कि ये जो है एक मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु ऐसी धातु होती है जो दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिलाकर जो धातु बनाई जाती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। और टंगस्टन का बना होता है, इसका भी एक मुख्य कारण है कि टंगस्टन का क्यों बना होता है। तो टंगस्टन का बना होने का कारण ये है कि इसका जो गलनांक है वो बहुत उच्च होता है, और जिस पदार्थ का गलनांक उच्च होगा उसमें क्या होगा कि वो काफी अधिकतर जो विद्युत का बहुत लंबे समय तक उसको सहन कर सकती है ताकि वो कम मात्रा में टूटे, यानी कि वो लंबे समय तक वर्क कर सके और हीट पाकर प्रकाश उत्पन्न कर सके, इसलिए इसको जो है टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है। अगर हम केतली के अंदर पानी को गर्म करते हैं तो इसको ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण और संघनन। तो अगर हम बात करें चालन, तो चालन क्या है कि चालन ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो हीट ट्रांसफर तो होती है यानी उष्मा संचारित तो होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से मिलकर इस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन जो चालन की बात हम करें तो इसमें चालन का प्रोसेस तो है नहीं, क्यों, क्योंकि जब केतली के अंदर केतली को रखते ऊपर उसके नीचे से हीट जलाई जाती है, उसमें आग जलाते हैं, तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो आपस में चेंज नहीं होते। लेकिन संवहन की बात करें, क्योंकि वो तो एक ही जगह रहेंगे केतली के पार्टिकल्स, लेकिन अगर हम बात करें संवहन की तो संवहन में क्या होता है कि जो जल होता है, पानी होता है, पानी के जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के बाद वो पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, वो कण ऊपर पहुंच जाते हैं, और जो ठंडे कण होते हैं वो नीचे चल जाते हैं। इस तरह से इनका प्रक्रम जो घूमते रहते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि केतली में पानी का गर्म होना संवहन का एक अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।